पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे से 24 से 25 लाख रुकी और नाचल मौका अवैध शराब बरामद की। हरियाणा से यूपी में सप्लाई के लिए लाई गई थी अवैध बियर। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए। यमुना एक्सप्रेसवे के मार्ग मार्चोखी इलाके से हुई कार्यवाही। ट्रक सहित दो तस्कर गिरफ्तार। यमुना एक्सप्रेसवे पर बियर पकड़ी गई है सर, उसके बारे में बताएं। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसके संबंध में SHO और चौकी प्रभारी माट टोल तीन लोगों को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इसमें अवैध शराब की तस्करी करते हुए यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं। ये लोग तत्काल वहाँ पहुँच गए, टीम के साथ आबकारी निरीक्षक को बुला लिए, उसके बाद ज्वाइंट चेकिंग की गई, उसमें शराब पकड़ी गई। उसके साथ इलीगल तरीके से वो लोग गिल्टी बना रखे थे, उसको वेरीफाई कराया गया, पता चला वो फर्जी है। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर कौन सी ब्रांड की और सर कौन से प्रदेश की थी और कहाँ जा रही है? हरियाणा प्रदेश की थी, अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं, ले जा रहे हैं, इसकी जाँच की जा रही है। सर कितने लोग पकड़े गए सर? दो लोग पकड़े गए। पकड़ी गई शराब की सर कितनी कीमत है सर बियर की? ये लगभग 24 लाख रुपए बताई जा रही है। सर क्या कार्रवाई हो रही है सर? इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, इनको जेल भेजा जा रहा है, आवश्यक बात नहीं करना।